विश्व रतन, दुनिया के बड़े संविधान के निर्माता, बोधिसत्व प्राप्त बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 128वीं जयंती के अवसर पर स्वाभिमान संघ की ओर से एक शाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम के इस आयोजन में आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जितना कहा जाए उतना ही बहुत कम है। मैडम अमेरिका से आई हुई हैं, मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विद्वता के बारे में, दुनिया क्या कहती है उसके बारे में आपको मेरी बात बताऊंगा। दोस्तों, अफसोस मुझे इस बात का है कि बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब की कालियत के बारे में जिस समाज को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत कुछ दिया, उस समाज बाबा साहब की ताकत, बाबा साहब की बुद्धिमत्ता, बाबा साहब के संविधान के बारे में नहीं जानती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, उस संविधान के लिए अमेरिका कहता है, अमेरिका का संविधान जिस जगह पर रखा रहता है उस जगह पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भी संविधान रखा रहता है। और अमेरिका कहता है कि जिस दिन अमेरिका का संविधान विफल हो गया उस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान ताकत देने का काम करेगा। लेकिन अफसोस मेरी समाज की यह है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ताकत को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के त्याग और बलिदान को मेरी समाज नहीं जानती। मेरे दोस्तों, दुनिया के बड़े बड़े से विद्वान, बड़े बड़े से पूंजीपति जब उनसे वार्तालाप पूछी जाती है और पूछा जाता है कि आपकी कामयाबी के पीछे किस व्यक्ति का योगदान है, तो मैं साथ ही आपको बता देना चाहता हूं, इसी ही भारत देश का अमृत शहर जब उसको दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिलता है और दुनिया के पत्रकार सब नोबेल पुरस्कार विजेता अमृत सेन से पूछते हैं कि अमृत सेन तेरी इस काबिलियत के पीछे किसका याद है, तो अमृत सेन बड़े गर्व के साथ में कहते हैं कि जब नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार मैंने जीता है, अगर उसके पीछे कोई योगदान है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का योगदान है। मुझे अफसोस है जिस समाज को तालाब का पानी पीने की अधिकार नहीं था, जिस समाज को रोड पर चलने का अधिकार नहीं था और जिस समाज को इस तरह से मेरी तरह बातें कहने का और बातें सुनने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब डॉक्टर ने जिस समाज को जानवर से इंसान बनाने का काम किया, वो समाज बाबा साहब को केवल 14 अप्रैल की जयंती पर याद करके लेता है और बाद में भुला देता है, यही आपकी समाज की विडंबना है। मेरे दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान दिया, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, और उस संविधान की आत्मा उसका प्रीएम्बल है। मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं, बाबा साहब का संविधान को लागू होने दीजिए, मत होने दीजिए, लेकिन मेरा निवेदन स्वीकार कर लीजिए, जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का प्रीएम्बल इस देश के अंदर लागू हो जाएगा, आपको हुक्मरान बनने से कोई रोकने वाला। बाबा साहब के प्रीएम्बल के अंदर ऐसी क्या चीज है, बाबा साहब के प्रीएम्बल के अंदर ऐसी क्या ताकत है जो आपको शासक बना सकती है। बाबा साहब के संविधान के प्रीएम्बल में स्पष्ट लिखा है, हम भारत के लोग बिना पीपल ऑफ इंडिया भारत को एक संपन्न संप्रदायवादी पंत्र गणराज्य बनाने की कसम खाते हैं और प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए, कौन सा न्याय, सामाजिक न्याय, कौन सा न्याय, राजनीतिक न्याय, कौन सा न्याय, आर्थिक न्याय दिलाने की गारंटी देते हैं। बाबा साहब के संविधान से पहले आपको न तो सामाजिक न्याय था, न राजनीतिक न्याय था, न आर्थिक न्याय था। बाबा साहब के संविधान से पहले सामाजिक न्याय किस तरह से था, आपको छुआछूत के आधार पर जलील किया जाता था, लेकिन मेरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय की गारंटी दिला करके आपको तमाम भारत के लोगों की तरह से रहना सिखाने का काम कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दूसरा राजनीतिक न्याय दिलाया। राजनीतिक न्याय क्या है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से पहले जो राजा रानी के पेट से पैदा होता था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया और कहा अब राजा रानी के पेट से नहीं, राजा पोर से बनेगा और जिस समाज का पोर ज्यादा होगा राजा वही बनेगा।
बाबा साहब के संविधान ने इतना कुछ दिया। पहले मेरी समाज की महिलाएं माताएं बहने इस तरह के रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहन सकती थी। मेरी माताएं बहने गले के अंदर सोने की चैन नहीं पहन सकती थी, लेकिन मेरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तुमको इस देश की तमाम नारियों की तरह फैशन वैशन कपड़ा पहनने का अधिकार दिलाया। ये मेरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिलाया और की दिलाया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। बाबा साहब ने कहा इस देश के अंदर लिबर्टी सभी को दी जाएगी। स्वतंत्रता कौन सी स्वतंत्रता? वैचारिक स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता? वैचारिक स्वतंत्रता। बाबा साहब के संविधान से पहले न तो मैं इस मंच पर भाषण दे सकता था, ना आप मेरी बात को सुन सकते थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यह सब कुछ दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा हम समता का अवसर भी सभी को देंगे। कौन सी समता? कौन सी समता? मेरे सामने जो आज अधिकारियों की फौज है, मेरे सामने आज जो कर्मचारियों की फौज है, वो किसी ब्रह्मा विष्णु महेश की देन नहीं, मेरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। लेकिन अफसोस है मेरी समाज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को केवल अम्बेडकर कहकर के पुकार लेती है। मैं कहता हूँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अम्बेडकर नहीं, भगवानों के भगवान है और बापों के भी बाप है, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को दुनिया के अंदर बाबा साहब कहा जाता है। है मेरी समाज के लोगों, लेकिन वो संविधान आज खतरे में है। है मेरी समाज के लोगों, यदि आप संविधान को बचाना चाहते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तुमको एक बहुत बड़ा हथियार दिया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था क्या मेरी समाज के लोगों, यदि तुम इस देश का हुक्मरान बनना चाहते हैं तो मैंने हुक्मरान बनने के लिए तुम्हें संविधान प्रदत्त एक बहुत बड़ा हथियार दिया है, वो है वोट का अधिकार। आप उस वोट के अधिकार की ताकत को पहचान लीजिए। जिस दिन आपने वोट के अधिकार की ताकत को पहचान लिया और यह हथियार ईमानदारी से चलाना चालू कर दिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपकी बेटी की जब दूर सके, दुनिया की कोई ताकत नहीं आपके दूल्हे को घोड़ी से उतार सके, और दुनिया की कोई ताकत नहीं है बिना परीक्षा आईएएस बना सके। इसलिए मेरे दोस्तों, इसलिए मेरे समाज के लोगों, यदि आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, यदि आप बाबा साहब के सच्चे सपनों को भारत बनाना चाहते हैं, यदि आप बाबा साहब के संविधान को पूरी तरह से लागू होना चाहते हैं तो कसम खा लीजिए और संविधान प्रदत्त आपको अधिकार दिए हैं उनको मांगने नहीं उनको छीनने का काम आज से ही चालू कर दीजिए। जिस दिन आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए संविधान प्रदत्त अधिकारों को छीनने का काम कर दिया उस दिन दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके संविधान के साथ में खिलवाड़ कर सके। मेरे समाज के लोगों, आज की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, आए दिन संविधान के ऊपर अटैक किया जा रहा है, 103 संशोधन आज तक हो चुके हैं, लेकिन आपके समाज के अत्याचार आज तक कम नहीं हुए हैं, आपके लोगों के साथ खिलवाड़ आज तक कम नहीं हुए हैं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, यदि आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी, अगर आप चाहते हैं कि मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं कि मेरा बेटा अधिकारी और कर्मचारी बने, यदि आप चाहते हैं कि हमारी बहन अधिकारी और कर्मचारी बने, तो आपसे मेरा निवेदन है बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान लागू करने की कसम खा लीजिए। जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान ईमानदारी से 50% नहीं 10% भी लागू हो जाएगा तो आपकी समाज इस देश की हुक्मरान समाज बन जाएगी। हुक्मरान बनने से कोई रोकने वाला नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आयोजक मंडल ने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा प्रोग्राम किया उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।